का ही संवैधानिक अधिकार उसके आधार पर देखा है, उन्होंने ये फैसला किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। महिलाओं की ऐसी सशक्त मांग थी तब हम लोगों ने इसको लागू किया और इसके लिए लगे हुए हैं। और हम तो बराबर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होगा, 100% आदमी सही नहीं हो सकता। उनको लगा होगा वो नहीं गए थे तो कोई चला गया, लेकिन उनको पूरी बात बताया गया, समझाया गया, जाकर के खुद ही उन्होंने स्वीकार किया, महसूस किया कि हाँ ये चुप हुई। लेकिन पार्टी का कोई आदमी और परिवार का भी कोई आदमी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी जगह पर चला जाए, ये ठीक नहीं। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सनफ मल्ला मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बचाव में काफ़ी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको हम बता दें, गोपालगंज जहरीली शराब मामले में जिस तरीके से 9 लोगों को फांसी दे दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से, उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अधिकारियों पर भी लगाम लगाया जा रहा है, ये काफ़ी बुरी चीज़ है। क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जरा सुनिए। फांसी की सजा हुई है शराब का यूज करने पर। ठीक है, आप जानते हैं वहाँ पर की घटना क्या घटी थी, जहरीले शराब लोगों को दे करके जो काम हुआ और उसके चलते उतने बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। जब शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल ही गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम है। उसी समय इस पर पूरी जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही है, कोर्ट का ही अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर कुछ भी देखा है, उन्होंने ये फैसला किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। लोगों को समझना चाहिए, बराबर करते हैं, शराबबंदी लागू की गई लोगों के हित में, और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल उस जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और उस समय भी हमने जो कहा था, याद करिए कि देख लीजिए, शराब पीजिएगा, जहरीला मिलेगा और मृत्यु के शिकार होइएगा, इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करिए। और जब शराबबंदी हुई है लोगों के हित में हुई है, और जब पूरे बिहार की महिलाओं की मांग थी, युवाओं का, युवतियों का, सबकी इच्छा थी, और जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितनी परेशानी होती थी महिलाओं की और बच्चों की, तो उस स्थिति में जो कुछ भी हुआ, कैसी स्थिति बेहतर हुई, जो लोग शिकायत करते थे। और आप जानते हैं, जब हम लोग लगातार अभियान कर रहे थे तो एक महिला ने अपनी बात कही थी, जो हम बराबर कहते हैं लोगों को, उन्होंने अपनी बात ही बताई कि मेरे पति शराब पीते थे और आ करके शाम में झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हो गई अब शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ऐसी बात उन महिलाओं ने कही, ऐसी महिला ने कही जिसके घर में उसके पति शराब पीते थे और घर की स्थिति को खराब रखा था, ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में आज भी कहीं कहीं कुछ जहरीले शराब की बात हो रही है, जाँच चल रही है। तो सबको समझना चाहिए कि जब भी आप ये गलत काम करना चाहेंगे तो आपको और धोखा देगा, आपको कहेगा कि हम शराब देंगे और दे देगा जहरीला शराब, तो आप इसके शिकार होइएगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, ये कोई मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने लोगों को कहा, लोग तो उसको समझे नहीं, बहुत जगह पर इसको लागू, कुछ जगहों पर लागू हुआ, कई जगहों पर लागू नहीं हुआ। और यहाँ पर तो जब महिलाओं की ऐसी सशक्त मांग थी तब हम लोगों ने इसको लागू किया और इसके लिए लगे हुए हैं। और हम तो बराबर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होगा, 100% आदमी सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। कभी भी इतिहास से लेकर के सारे चीजों को देखिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है, लेकिन नजर रखनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए, और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको अगर इस तरह से सजा होती है तो लोगों को समझ में आएगा ना कि हम अगर इस तरह का गंदा काम करेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। तो इस तरह की बात होगी, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और समझ लीजिए, धीरे धीरे फिर बीच में कुछ गड़बड़ करने वाले लोग ज्यादा बढ़े थे, अब भी संख्या घट रही है। और पूरे तौर पर इसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग लगाए हुए,
और आपको बता देते हैं कि हम तो रेगुलर ही कुछ ही दिनों के बाद आकर के सबको बुला करके पूछते हैं सीनियर ऑफिसर्स को, और हमने तय कर दिया है कि प्रतिदिन चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनका जिनकी जिम्मेवारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के भी अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर DGP और जो बनाए हुए हैं हम लोग IG प्रोहिबिशन, तो ये सब लोगों की मीटिंग होती है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले फिर हमने एक रोज इसके बारे में पूरी चर्चा की, बातचीत की, अन्य विषयों के अलावा इस पर भी बात होती, तो लोग लगे हुए, और हम तो यही आग्रह करेंगे। और आज यहाँ पर आने का मौका मिला है, आप जानते हैं TPS कॉलेज, हम लोग तो यंग एज से जानते हैं, आज मुझको पहली बार औपचारिक रूप से जब इन लोगों ने निमंत्रित किया तो मुझको अच्छा लगा कि भाई इसके बारे में सुनते रहे हैं हम लोग अपने यंग एज से, तो हमको लगा कि जब इनको ने भेजा और क्या क्या बिल्डिंग्स में बना है, कुछ तो सरकार की तरफ से और कुछ इन लोगों ने अपनी तरफ से किया, और जिनके नाम से ये बना है उनकी पत्नी ने बनाया उनकी मृत्यु होने के बाद, तो उनकी मूर्ति को भी इन्होंने स्थापित किया और सब लोगों ने आपस में मिल करके, ये कोई सरकार का नहीं बल्कि आपस में कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छी मूर्ति लगी है, तो उनकी मूर्ति का भी अनावरण करने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर इन लोगों ने कई अपना सेक्टर दिखाया है जहाँ पर कई प्रकार के काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगा। और अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, ये भी साथ में हैं, देख लिए हैं अब निश्चित रूप से, और हमारे वाइस चांसलर लोग हैं, तो हम तो वाइस चांसलर लोगों से यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को देख करके ये बता दीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन को और बढ़िया ढंग से चलाने में, और जो मुझे जानकारी मिली इसलिए हम आए हैं, 7,000 स्टूडेंट्स, तो ये जान करके मुझको बहुत अच्छा लगा कि 7,000 स्टूडेंट हैं, जरा चल करके देखेंगे, हम यदा कदा ही जाते हैं कोई कॉलेज में, तो आज आ करके देख लिया है तो मुझे अच्छा लगा है। और अब तो वाइस चांसलर साहब लोग हैं, अब उनसे तो हम यही कहेंगे और शिक्षा मंत्री जी भी हैं, जान लीजिए अगर कोई सरकार की तरफ से और सहयोग की ज़रूरत है ताकि हमारे विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से काम करने में, और आप जानते ही हैं पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई है यहाँ पर, अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, सब बहुत अच्छा है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग निश्चित रूप से देंगे, उनको मदद भी करेंगे, और आकर के मुझे खुशी है, मैं यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षकों को, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। कल आपने घटना पे आश्चर्यचकित किया था, क्या मुकेश सहनी जो किया वो टॉलरेबल था? बुला लिए, कभी कभी होता है ना कि कोई भी व्यक्ति को सारी बात की जानकारी नहीं होती, उनको लगा होगा और वो नहीं गए थे तो कोई चला गया, लेकिन उनको पूरी बात बताया गया, समझाया गया, जाकर के खुद ही उन्होंने स्वीकार किया, महसूस किया कि हाँ ये चूक हुई, क्योंकि किसी चीज़ की आई कोई एक बारे में हमसे पूछा भी है कि एक जगह ऐसा देखे थे, हमने कहा कि नहीं, वो बाजाबता इनवाइटेड थे फॉर्मली किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी व्यक्ति अगर जो भी कार्यक्रम है सरकारी उसकी तरफ से कोई व्यक्तिगत रूप से इन्वाइटेड है कार्यक्रम में, और जो भूतपूर्व रहे हैं मंत्री, भूतपूर्व रहे हैं मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रहे हैं केंद्रीय मंत्री, कई लोग हैं जो आते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का कोई आदमी और परिवार का भी कोई आदमी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी जगह पर चला जाए ये ठीक नहीं। वो कार्यक्रम में तो जा सकता है, कोई भी आकर के आपका कार्यक्रम है जा सकता है, शामिल हो सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको औपचारिक कोई भूमिका नहीं निभानी, वैसे तो सबको अधिकार है, कोई भी आदमी जा सकता है, आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके पार्टी के लोग कोई भी आ सकते हैं कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम के ऊपर जो भूमिका आपको निभानी है उस भूमिका को पार्टी का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो ये सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने कह दिया, हम लोगों ने पूरी बात समझा दी, हमको तो आश्चर्य हुआ था, इसलिए तो हम कहे हमको मालूम नहीं था, जब वहाँ विधानसभा में लोग बोल रहे थे और मेरे पास प्रेस का ही एक कॉपी भेज दिया तो हमने देखा, तो हमने कह दिया कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा, मैं जरूर बात करूँ, और हम तत्काल बात कर लिए, और इसके लिए आप जानते ही हैं कि उनके साथ बातचीत हो गई और सब
सब कुछ समझ लिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं और ऐसी कोई गलती नहीं, वो कोई जान बूझ करके उस व्यक्ति ने मंत्री जी ने नहीं किया था। उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई चला गया तो कोई मेरी जगह पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका कोई उनको आइडिया नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ऐसी बात है जो जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई तो इससे पता तो चल गया। लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए, कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है भाई, जब पूरी बात अब जान लिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर दें। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को सुना है, हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताया है कि क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जब सदन में खड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि आश्चर्यजनक बात है, हालांकि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खेद भी जताया था। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।